दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बाउंसर जैसा था। मैं सुबह उठी, मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए, मुझे जल्दी से बस स्टॉपेज पे पहुँचना है। बहुत जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं यहाँ पर आ गई, मगर मुझे वेट ही करना पड़ा। हमेशा की तरह वैन आज भी लेट थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जब करने के लिए कुछ काम नहीं होता है तो मैं बस फ़ोटोज़ ही क्लिक करती रहती हूँ। मैं ऐसा क्यों करती हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, इनबिल्ट सिस्टम है ये मेरे अंदर का। पक्का आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी वैन आती है और हम जाते हैं अपने मैम को लेने। वैसे तो हमेशा वैन मैम को लेकर ही आती थी, मगर आज मैं सच में जल्दी ही पहुंच गई थी, इसलिए मुझे मैम को रिसीव करने जाना पड़ा। आप ही देखो, मेरे अगल बगल की सारी सीट खाली ही हैं। सारे टीचर्स को रिसीव करने के बाद हमारी वैन चल पड़ती है हमारे स्कूल की तरफ। सावन का महीना चल रहा है तो हमारे आसपास की लोकेलिटी कांवरिया से भरी रहती है। वो डीजे वीजे गाजा बाजा के साथ में बाबा के दर्शन करने जाना, हाय हाय क्या सुकून होता होगा। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हमारे ड्राइवर भैया ने आज अलग ही सुर छेड़ रखा था। हम सारे बहुत सारी बातें कर रहे थे और उन्होंने खूब लाउड वॉल्यूम में भगवान शिव के सॉन्ग चला रखे थे, और वो भी भोजपुरी वाले। सॉन्ग में गुम हो जाने के बाद मुझे बस यही महसूस हो रहा था कि काश हमारी गाड़ी स्कूल की जगह बनारस की ओर मुड़ जाए और मैं पहुंच जाऊं काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, क्या आप भी अपनी डेली एक ही तरह की लाइफ से थक जाते हो और कोई ब्रेक लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो जल्दी जल्दी आ जाओ प्रयागराज, हम और आप दोनों मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे और चलेंगे घूमने। इन्हीं सारे ख्यालों के साथ हमारी वैन मुड़ जाती है हमारे स्कूल की तरफ और हम पहुंच जाते हैं स्कूल। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मैं व्लॉग वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, बट अब सब कुछ ठीक हो गया है।